हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल। आप आज हम जानेंगे, मतलब मैं सीरीज़ ही शुरू करने वाला हूँ। देश में जितने भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कितने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, कहाँ से कहाँ तक बनने वाले हैं, सभी की कितनी कॉस्ट होगी, कितने स्टेशंस होंगे, कब तक उसका काम हो जाएगा और कैसे इसका काम अभी शुरू है, कहाँ तक पहुँचा है, इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। देश में जितने भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, आपको शायद पता होगा, आपने देखा भी होगा न्यूज़ में और सभी इसमें उसमें दिखा भी जाता है कि कितने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो उसके बारे में हम हर रूट का एक अलग वीडियो बनाएंगे और देखेंगे देश में कितने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अभी बनने वाले हैं या कितना काम अभी शुरू है। ओके, सब के बारे में डिटेल में हम जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जानेंगे दिल्ली से पूरे 6 रूट यहाँ पर दिखाए गए, बट एक्चुअली इतने रूट नहीं है क्योंकि दिल्ली अमृतसर एक रूट होगा, दिल्ली से मुंबई जो अहमदाबाद तक जाएगा और दिल्ली अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद जो ऑलरेडी बन रहा है उसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा रूट होगा दिल्ली से भोपाल, फिर चौथा होगा दिल्ली से कलकत्ता जो अभी दिल्ली वाराणसी बनने वाला है, और फिर पटना कनेक्ट करके फिर पटना से कलकत्ता जाएगा, वो एक ही रूट होगा। उस यहाँ पर उन्होंने अलग अलग करके यहाँ पर दिया है, बट वो एक ही रूट होगा। ओके, तो ये हो जाएगा उनका चौथा रूट, तो कुल मिला के 6-4 ही रूट हो गए। फिर और हमारे देश में बनने वाली जो लाइन्स है वो है, देखो दिल्ली अहमदाबाद होगा, फिर मुंबई से नागपुर एक बनने वाली है, फिर बनेगी चेन्नई से बेंगलोर और चेन्नई से मैसूर। ये प्रोजेक्ट इन्होंने इसको मंजूरी दे दी है, जिसका कॉस्ट यहाँ पे दिया है इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़, और बनने का जो टारगेट दिया गया है वो है 2025-26। ओके, बट इसमें जो है इसकी डेडलाइन अलग अलग है, हर प्रोजेक्ट की डेडलाइन अलग है। इसमें फास्ट काम होगा दिल्ली कोलकाता का, जल्दी हो जाएगा, मुंबई अहमदाबाद जो अभी शुरू है। ओके, और बाकी के काम थोड़े डिले होंगे, मतलब अभी उस पर सर्वे का काम शुरू है बट थोड़ा लेट हो गए। तो चलिए हम जानेंगे आज दिल्ली से कोलकाता ट्रेन का पूरा डिटेल्स में जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पूरा प्रोजेक्ट डिटेल। तो ये है NHSRCL के MD, ओके, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम है हमारे देश में वो इनके निगरानी में हो रहा है, पूरे का प्रोजेक्ट्स का जो काम है वो इन्हीं की निगरानी में हो रहा है। ओके, तो ये MD है तो ऑफकोर्स इनके निगरानी में होगा। जो पूरा प्रोजेक्ट है, पूरे देश में जो प्रोजेक्ट है वो 38 लाख करोड़ का है। पूरा भारत में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनेंगे वो उनकी कॉस्ट होगी 38 लाख, जो फाइनलाइज्ड मतलब फिनिश्ड होगा, उनकी डेडलाइन दी गई है 2050 तक हमारे देश में जितने भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करने का टारगेट इन्होंने रखा गया है। ओके, तो अगर ये अमाउंट देखी जाए तो अभी की अमाउंट के मतलब अभी जो GDP है उसका लगभग 20% है। ओके, मतलब आगे जाके हमारी इकोनॉमी बढ़ने वाली है, तो अभी GDP का 20% है, बट बाद में उसकी अमाउंट बढ़ेगी थोड़ी फार बढ़ जाएगी, लेकिन जो उसका काम है अगर फंड के लिए रुकेगा तो आगे चल के उसमें तेज़ी आएगी क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी आगे जाके बढ़ जाएगी। ओके, तो चलिए हम मेन प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, हमारे आज का प्रोजेक्ट जो है दिल्ली से कोलकाता, उस प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो बिजनेस लाइन में, टाइम्स द हिंदू में ये छपा था, इन्होंने ड्राफ्ट में प्रपोज इसके लिए फंड अलोकेट किया था 2031 की जो डेडलाइन दी गई तब तक ये प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा इनका कहना था। 855 किलोमीटर का फर्स्ट फेज़ होगा दिल्ली से वाराणसी वाया अयोध्या जाएगा, सेकंड में वाराणसी से पटना जोड़ा जाएगा, 250 किलोमीटर का इसके किलोमीटर की दूरी होगी, इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का और दिया गया। फिर बाद में पटना से कलकत्ता इसे जोड़ दिया जाएगा,
जिसकी लेंथ है 530 किलोमीटर, जिसके लिए 1 लाख, तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए इनके लिए खर्चा आने वाला है। ओके, तो चलिए जानते हैं हम इनके बीच कौन से स्टेशंस होंगे, उन स्टेशंस के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, दिल्ली से होके आगरा जाएगी, फिर आगरा से लखनऊ, लखनऊ से सीधा वाराणसी जाएगी। ओके, बीच में इसके स्टेशन और भी ऐड हो सकते हैं, अभी तो मेन स्टेशन ही इन्होंने दिए गए। ओके, वाराणसी से जाएगी पटना, पटना से जाएगी धनबाद, धनबाद से जाएगी हावड़ा कोलकाता, फिर हल्दिया तक शायद इसे कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, तो ये है इसके स्टेशंस, और इसके कॉस्ट कितने हमने बात कर दी है। ये है मेजर, एक वन ऑफ द बेस्ट रूट हमारे देश के लिए जो इम्पोर्टेंट है, और जैसे कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई बनेगा, फिर चेन्नई से कलकत्ता, और ये दिल्ली से कलकत्ता बनने वाला है, और एक मेजर रूट बनेगा जो जाएगा मुंबई से कोलकाता वाया नागपुर। ओके, तो इन शहरों को जोड़ने का ये पूरा प्लान है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी स्टेशन होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट आगे बनेंगे, उन सब की डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।